हमारे पास कोचों की जो है वो वसाइल में कमी होने की वजह से कोचे इतनी वाफर मकदार में नहीं है। जितनी जल्दी ये ट्रैक मेंटेन होता है इंशाल्लाह हमारी सारी ट्रेन बहाल भी हो जाएंगी और फिर रनिंग अपने वापस पैटर्न पर आ जाएगी। चेयरमैन साहब है, उन्होंने भी तमाम मरीजों की इयादत की। हमारे बुनियादी मकसद ये होते हैं कि हम लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कासिम अली। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान रेलवे के आए दिन हादसा जो है वो होते रहते हैं। तो 1861 में कराची से लेकर तो कोटरी तक रेल का जाल बिछाया गया था, फिर आस्ता आस्ता ये बढ़ता गया और 8000 किलोमीटर तक ये ट्रैक जो है वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन ये ट्रैक जो है ये सारा साल से पड़ा हुआ है, यानी कि तकरीबन एक सदी पहले का ये ट्रैक जो है वो चल रहा है। तो इसकी हालत आपको मैं दिखाता हूँ। ये लाहौर जंक्शन है और यहाँ पे जो ज़ेर इस्तेमाल पटरियाँ हैं और जो इस्तेमाल में आने वाली पटरियाँ वो आप देखिएगा, ये वो जो है ज़ेर इस्तेमाल नहीं है और वो जो है वो ज़ेर इस्तेमाल है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रेनें आ रही हैं लाहौर से बाहर से तो उनको मूव कर दिया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफार्म की तरफ। तो जब प्लेटफार्म की तरफ कर दिया जाता है तो अभी जो ज़राए बता रहे थे तो ये देखें, ये ज्वाइंट होता है ट्रेन का, यानी कि पटरी का ये ज्वाइंट है और यहाँ पे इन्होंने इसको लगाया होता है, वेल्डिंग किया होता है इसको ज्वाइंट को इसके साथ। और इसकी इंस्पेक्शन जो है वो ना हुई तो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ कोटरी जो डरकी है वहाँ पर। तो इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम देखेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि आखिर ये जो हादसा थे ये क्यों ममूल बनते जा रहे हैं पाकिस्तान रेलवे में। हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान रेलवे को जो है वो फंड दे, उनके फंड मंजूर करें ताकि वो ये ट्रैक को ठीक करें, प्लेटफार्म ठीक करें, कोचिस ठीक करें। लेकिन फंड की अदम दस्तयाबी के बाइस ये एक अहम इदारा जो है वो आज जवाल पजीर हो रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि हुक्मरान जो है, यानी कि जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है फेडरल का और जो इदारे हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान रेलवे को, जिसकी वजह से आज रेलवे के हालात ये हो गए हैं कि रेलवे की आए दिन हादसा का शिकार हो रही हैं ट्रेनें, आए दिन कोई मुसाफिरों को नुकसान हो रहे हैं, आए दिन ट्रेनों को आग लग रही है, लेकिन इनको दिया कुछ नहीं जा रहा। तो जो मुनाफा कमाया जा रहा है वो पेंशन की मद में मुलाजमिन को दे दिया जाता है या तनख्वाहों की मद में दे दिया जाता है, लेकिन रुपये एक रुपया भी जो है वो रेलवे के ऊपर दुरुस्त तरीके से नहीं लगाया जा रहा। तो आज इसी चीज़ों को हम देखेंगे, मेरे साथ ही रहेगा प्रोग्राम में, आगे चलते हैं मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो एक मुनाफा बख्श इदारा था, लेकिन आज रेलवे के पास पैसे ही नहीं हैं कि वो अपने हालात दुरुस्त कर सके। तो मुसाफिरों से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अभी एक हादसा हुआ है डरकी में और 65 से ज़ायद लोगों की जो है वो शहादत होगी और कितने लोग ज़ख्मी हो गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, इमरान खान साहब को? सर जी, मैं तो ये अल्लाह से ये चाहता हूँ कि ठीक ठाक से जाएं, ठीक ठाक से वापस आएँ। हम सब लोग मुसाफिर हैं, इसलिए अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ठीक ठाक से अल्लाह हमारा हिफाजत से जाएं, हिफाजत से आएँ। तो आइए इनसे बात करते हैं इनसे। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो किधर जा रहे हैं आप? गोट की जा रहे हैं। आगे आइएगा थोड़ा। कहाँ जा रहे हैं? गोट की जा रहे हैं। गोट की। तो अभी डरकी में एक हादसा हुआ है और कितने लोग जो हैं वो 65 से ज़ायद लोग ट्रेन में हादसे का शिकार हो गए हैं और जहां भक हो गए और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे इमरान खान को? इमरान खान काम सही कराएगा, सही करा कराएगा, रेलवे का काम कैसे कराएगा? तीन साल में तो अभी तक नहीं हुआ स्टेशन वालों ने। क्यों? उसने बोला गाड़ी नहीं आ रही है, टिकट हमने वापस की, 750 काटा। क्यों? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कहना चाहूँगा कि रेलवे जो है ना हमारा बहुत पीछे है और बाहर मुल्कों की नस्बत जो है ना यहाँ बहुत जो है ना हम लोग बहुत पीछे हैं। और ज़्यादातर गरीब तबका जो है वो रेलवे को ज़्यादा, क्योंकि किराए कम हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो सफ़र नहीं कर सकते, जी बसों के अफोर्ड नहीं कर सकते, इसी वजह से यहाँ इसीलिए ट्रेन पे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ट्रेन में सफ़र ज़रूरी है, करना चाहिए? यही कहना चाहूँगी कि ट्रेन में सफ़र करना ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन ये कि अपना अपना दिमाग होता है कि इंसान ट्रेन में जाना चाह रहा है, उसको मज़ा आ रहा है ट्रेन में,
तो मैं तो यही कहूँगी बस। तो अभी ये हादसा हुआ ढरकी में, जरूरी थोड़ी ना कि हादसा हर ट्रेन के साथ हो, अब वो हादसा होना तो वो तो अब हो गया, अब हमें हम तो नहीं कह सकते ना साथ में। सफर तो करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए, इमरान खान को क्या कहेंगी? मैं इमरान खान को कुछ नहीं कहूँगी, वो तो मेरे, मैं तो खुद उनकी फ़ैन हूँ और मैं उनको पसंद करती हूँ, तो यही कहूँगी कि वो देखें मुल्क के हालात और ये सब और ठीक करें। रेलवे को पैसे दें ताकि इनके काम हो। जी, रेलवे को पैसे दें ताकि इनके काम हो। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आप कर रहे हैं मुसाफिरों से गुफ्तगु। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं आप? भावलपुर। भावलपुर जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं? घोटकी। घोटकी। तो अभी हादसा भी हुआ है, एक तो रेलवे जो है, सफ़र कैसा है रेलवे का? वैसे तो ठीक ही है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। तो गरीब आदमी की तो वही सवारी अब रेलवे रह गई। जी जी, अब क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बसों में इतने इतने हज़ारों रुपए किराया कौन देगा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप जाते हैं बस में तो कितना किराया है? 1000 रुपया। और अगर आप ट्रेन में जाते हैं कितना? 600 रुपया। 600 रुपया, यानी कि 400 रुपये की बचत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़्यादातर इस ट्रेन में जो है वो गरीब तबका सफ़र करते हैं। गरीब भी आता है, और तो लोग तो टैबो में, फैसल मोर में सफ़र करते हैं, अमीर लोग तो, हमारे जैसे मजदूर लोग। सही बोला भाई। अगर आप घोटकी जाते हैं तो कितने पैसे लगेंगे? अगर उधर बस में जाएगा तो 2200 पकड़ेगा, इधर से जाएगा तो 1000 पकड़ लिया, 1200 रुपये का फर्क है। अब ये शेख रशीद को करना चाहिए ना, इसको देखना चाहिए ना। शेख रशीद तो अब वजारत दाखला में चले गए हैं भाई, अब तो आजम स्वाती साहब आ गए। चलो कोई भी है, इसको ठीक करेगा तो गरीब का फायदा है ना भाई। गरीब का फायदा है तो ये बुजुर्ग तो मेरे ख्याल में अक्सर सफर करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो किधर जा रहे हैं अंकल आप? कराची। कराची जा रहे हैं, तो अगर आप बस में जाते तो आपको कितना किराया देना पड़ना था? यहाँ से पिंडी से 3000 रुपये लेते हैं बस का, और ट्रेन का 4000। और ट्रेन का कितना? ट्रेन का ये लेते हैं 1900 रुपये, 1850 रुपये। 1850 रुपये, यानी कि पिंडी से कराची तक का। तो सफ़र कैसा है? सफ़र अच्छा है, लेकिन ये निज़ाम हो तो कभी पानी नहीं भरते। इतना प्रेफर क्यों करते हैं रेलवे को लोग, क्यों चाहते हैं कि हम रेलवे में जाएं? इसमें सुकून होता है ना, आप उतर भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। रेलवे में अभी जो हादसा हुआ ढरकी में, तो बड़ा अफसोसनाक हादसा था और कई जानें भी ज़ाया हुई। करना चाहिए ना इन लोगों को, ऐसे जो हादसा होते हैं पहले ही, इसमें मुलव्वस हैं ऐसे हादसा, में उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो अल्लाह ही जानता है, अब कौन मुलव्वस हैं कौन नहीं है, तो उनको सख्त सजा देनी चाहिए, गरीब लोग मरे हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेलवे की सूरत हाल पर खसूसी प्रोग्राम। तो पाकिस्तान रेलवे का जो ट्रैक था वो 1861 में बिछाया गया था, और उस ट्रैक की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा मखदूश हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन रेलवे में जो है वो हादसा देखने को मिलते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और मौजूदा हुकूमत में जो है वो रेलवे कहाँ पहुँचा है और रेलवे की कारकर्दगी क्या है, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तर्जुमान हैं पाकिस्तान रेलवे की नाज़िया जबीन। तो मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम। तो बताइएगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान रेलवे में आए दिन हादसा हो रहे हैं, तो पॉलिसी क्या है, कैसे रोकेंगे इन चीज़ों को आप? थैंक यू जी। आप जैसा कि आपने खुद ही कहा कि रेलवे का ट्रैक जो है वो काफ़ी पुराने हैं, तकरीबन 150 साल पुराने हैं, लेकिन इसके वक्तन फ़क्तन इसकी रिवैम्पिंग का सिस्टम, रिवैम्पिंग के लिए हम काम करते रहते हैं। इस हुकूमत के दौरे हुकूमत में पिछले 3 सालों में इस पर काफ़ी काम किया गया है, और रेलवे पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अपने मुसाफिरों को एक बासहूलत तरीके से उनको ट्रेन का सफ़र की तमाम सहूलतें फराहम करें, और ये हमेशा हमारी प्रायोरिटी रही। तो अभी ये जो हादसा हुआ ढरकी में, तो कितने लोग इसमें जहां बहक हुए हैं और कितने ज़ख्मी हुए हैं? जी, इसमें 56 लोगों की डेथ हुई है, और तकरीबन अभी जो ज़ख्मी लोग हैं हॉस्पिटल में वो 23 हैं। उनके लाज मुआवजे के लिए कोई हुकूमती या पाकिस्तान रेलवे ने कोई पैकेज दिया उनको? जी, जहाँ तक उनके इलाज मुआवजे का ताल्लुक है, तो हमारे जो वज़ीर हैं वो इस सारे ऑपरेशन की, रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी करते रहे हैं, और उन्होंने, और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी तमाम मरीजों की इयादत की, और इसके अलावा उनको जो रिलीफ पैकेज है उसमें 15 लाख रुपए जिनके लवाकीन के लिए, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, और जो जख्मी। बड़ा अफसोसनाक वाकया है नाज़िया साहिबा, ये बहुत अफसोसनाक वाकया के दुनिया चांद पर चली गई और पाकिस्तान रेलवे अभी तक ट्रैक ही नहीं ठीक कर सकी, और वो भी अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। तो इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए, बेहतरी के लिए,
अभी तक कोई किसी हुकूमत ने इकदाम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मौजूदा हुकूमत जो चल रही है उन्होंने किया, लेकिन जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने भी क्या कर लिया, पर अभी भी क्या हो जाएगा कि 100 साल से ट्रैक जो है वो ही चल रहा है। जी, रेलवे पाकिस्तान की तो पूरी कोशिश है, आइंदा आप देखेंगे कि कुछ अर्से में ML1 पे जब प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा तो उससे ये सूरत हाल काफ़ी बेहतर होगी। ML1 जो है वो बहुत कारामद होगा, आप सब कहती हैं। जी बिल्कुल, उसमें सारा काम मुकम्मल है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से पूरा काम मुकम्मल कर लिया गया है, सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट है उनकी तरफ से अभी जो सी पैक का अहम मनसूबा था ML1 और उसको सी पैक के साथ जोड़ा गया। जी जी जी, तो अब आप क्या समझती हैं कि जो ये मामला चल रहे हैं और इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी में जो कसूरवार होंगे कौन है, उसका कसूरवार को आप किसको समझती हैं या महकमा किसको समझता है कि ये फलां बंदा कसूरवार हो सकता है, तो इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं? जी, अभी तक तो इसके बारे में हतमी राय नहीं दी जा सकती कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब का पूरा इस बात पर है फर्म डिसीजन है कि वो जो भी जिम्मेदारान हैं जब तक इंक्वायरी कम्प्लीट होती है तो उसके बाद जिम्मेदारान को पनिशमेंट दी जाएगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेलवे पर स्पेशल प्रोग्राम, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं DCO रेलवे हिना हिरी असगर साहिबा, जो कि डिविजनल ऑफिसर हैं यहाँ पर पाकिस्तान रेलवे की। तो इनके पास जो ये इलाका आता है ये इस मैप में जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये शायद आपको समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इनकी रेलवे की ये अपनी लैंग्वेज है कि लाइन्स कैसे जो है वो चल रही हैं, किधर से निकल जाती है और सियालकोट की तरफ कौन सी लाइन जा रही है, शोरकोट की तरफ कौन सी जा रही है। तो मेरे साथ DCO साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ पाकिस्तान रेलवे में, और जो लाइंस की सूरत हाल हैं रेलवे की वो 1861 से इसी तरह ही चल रही हैं, तो उनको रिपेयर तो कर दिया जाता होगा, लेकिन ये मुकम्मल ठीक कैसे हो सकती हैं और इसमें जो आपके जुम्मे जो चीज़ें आती हैं वो क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान रेलवेज़ का स्ट्रक्चर ग्रैंड लेवल स्ट्रक्चर है जिसको रेनोवेशन में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, एक या दो दिन की बात नहीं है। ट्रैक मेंटेनेंस का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारे हेडक्वार्टर ऑफिस में हमारे इंजीनियर्स, हमारे बाकी तमाम सीनियर लेवल ऑफिसर्स और पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ पर वर्किंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीब आपको अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। डॉन की एक न्यूज़ के मुताबिक 23% कमी आई है इस साल में एक्सीडेंट्स में, जो कि इंशाल्लाह मज़ीद मतवक्को है और कमी आएगी। एक्सीडेंट होते क्यों हैं, यही सवाल है बुनियादी के, एक्सीडेंट क्यों होते हैं, वजह क्या है? यानी कि अगर आप बैठी हैं डिविजनल ऑफिसर की सीट में तो आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो ट्रैक को कैसे जो है वो मॉनिटर किया जाता है, और यहाँ पे तो देखें आप अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो इलाके पास पास हैं, यानी कि वादियाँ काम पास करीब करीब हैं। अगर हम जाते हैं रेमियर खान क्रॉस करते हैं, डर की क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पर तो दूर दूर तक वादियों के निशान ही नहीं होते, तो वहाँ पे किस तरह ये मैनेज करते हैं ट्रैक को, किस तरह चेकअप करते हैं? अभी देखा ये हादसा जो हुआ, अभी तो उसकी जो इनिशियल रिपोर्ट्स जो जराए बता रहे हैं कि वो वेल्ड हुआ हुआ था। जी बिल्कुल, हमारी डिफरेंट डिविजन्स में डिफरेंट एरियाज डिप्यूटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी मिसाल लूँ, डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर के अंदर 86 कमर्शियली ऑपरेटेड स्टेशंस हैं जो कि मैं देख रही हूँ। ओवरऑल लाहौर डिवीजन में तकरीबन 109-110 स्टेशंस हैं, लेकिन कमर्शियली 86 स्टेशंस हैं। अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर A to Z, चाहे वहाँ रेस्टोरेंट, चाहे स्टॉल, चाहे दूसरा तीसरा हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरह से हमारे जो इंजीनियर्स हजरात हैं उनके पास ट्रैक मेंटेनेंस का काम है, हमारे डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके पास रेक मेंटेनेंस का काम है, मतलब ये डिवाइडेड। हमले की तो शदीद कमी है पाकिस्तान रेलवे को, तो फिर कैसे इतने बड़े ट्रैक को आप संभालेंगी? नहीं, हमले की कमी किसी हद तक अगर है तो वो साथ साथ पूरी हो रही होती है, साथ साथ इंडक्शन हो रही होती हैं, भर्तियाँ हो रही होती हैं, कोई रिटायरमेंट्स हो, कुछ भी हो, तो कितने अर्से से भर्ती नहीं हुई रेलवे में, जो थे वो भी निकाल दिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस पर भी वर्किंग जारी है, हम लोगों का होमवर्क कम्प्लीट है। लाहौर डिवीजन ने अपने जितना एक शॉर्टेज थी उसका लिख कर हेडक्वार्टर ऑफिस और मिनिस्ट्री में इंटीमेट कर दिया। ये जो ट्रैक है आपके जो आता है अख्तियार में जो ट्रैक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको टीमें शीमें तो बनाई जाएंगी? जारी बता हादसा जो हो गया,
बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखिए हमारे पास मेरी डिफरेंट ब्रांच लाइंस हैं, इसमें कसूर पाकपतन सेक्शन है, इसमें लाहौर नारोवाल सियालकोट सेक्शन है, लाहौर साहिवाल सेक्शन है, लाहौर लाला मूसा और लाहौर जड़ांवाला शोरपुर सेक्शन है। ये बताइएगा कि ये जो कसूर सेक्शन है यहाँ नारोवाल सियालकोट सेक्शन है, यहाँ पे ट्रेनें चल रही हैं अभी तो, कितनी चल रही हैं? कसूर में कोई ट्रेन जा रही है इधर से? बिल्कुल चल रही हैं, कुछ प्राइवेट हमने आउटसोर्स की हुई हैं, दो अदद प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं, बाकी हमारी अपनी रेलवे, और अभी एडवर्टाइजमेंट अभी आई है, हम बाकी ट्रेन भी आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं। कितनी ट्रेनें जो हैं वो आउटसोर्स हो जाएंगी? देखिए अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल 36 इन प्रोसेस हैं, और उससे क्या बेहतरी आएगी? देखिए अगर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर उसको खुद मैनेज करेगा, उसकी सारी मेंटेनेंस और सारा कुछ स्टफ, चलिए वो तो ट्रेन को मैनेज कर देगा, लेकिन ट्रैक को कौन मैनेज करेगा? देखिए ट्रैक मेंटेनेंस देखना क्या हो गया, रेलवेज का ही काम है ऑब्वियसली, इस पर हम वर्किंग भी कर रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हमारे पॉलिसी मेकर्स इस पर सर जोड़कर बैठे हुए हैं। नाज़रीन पाकिस्तान रेलवे जो है वो 1861 में इसका वजूद बना था, और पूरे पाकिस्तान के बड़े सगीर हिंद में ये एक बहुत लंबी लाइंस बिछाई गई थी, तो एक बड़ी हिस्ट्री है इस पाकिस्तान रेलवे की, और कैसे ये तरक्कियों की मनाजिल तय करता हुआ आगे बढ़ता चला गया, फिर ये तंजली की तरफ चला गया, लेकिन आखिरकार वजह क्या है कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो इस वक्त खसारे में भी जा रहा है और आए दिन ट्रेनों के हादसात भी हो रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है नासिर खलीली साहब जो कि डिविजनल सुपरिनटेंडेंट हैं पाकिस्तान रेलवे लाहौर के, और काफ़ी ये सीनियर आदमी हैं, उनके पास हिस्ट्री की भी बड़ी बातें हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। तो सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान रेलवे का वजूद 1861 में आया था, तो इस हवाले से बताएं नाज़रीन को, क्योंकि आपने काफ़ी रिसर्च की है पाकिस्तान रेलवे के ऊपर और आप इसके ऑफिसर्स भी हैं, तो इसके हवाले से बताएं ताकि नाज़रीन को पता चल सके कि पाकिस्तान रेलवे है क्या। देखिए जी, पाकिस्तान रेलवे बिल्कुल जब बिफोर पार्टीशन 1861 में यहाँ पे पहली ट्रेन चली थी कराची से कोटरी तक, और उसके बाद वो एक्सटेंड होती गई पूरे मुल्क में, और तकरीबन कोई 8000 किलोमीटर पे इसका जो ट्रैक है वो बिछाया गया है, और काफ़ी सारा रोलिंग स्टॉक भी था इसका, और जिसमें पहले स्टार्ट में स्टीम लोकोमोटिव से पाकिस्तान रेलवे की जो ऑपरेशन थी वो होती थी, वुडन कोचेज़ होती थी, और हमारी जो फ्रेट की वैगन्स होती थी, और 1908 में पहली हमारी जो कैरेज शॉप यहाँ पे है मोगलपुरा पे, जिसमें वुडन कोचेस की होती थी, बनती थी वहाँ पे, वो यहाँ पे कायम की गई। पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँगा, अगर इंडियन रेलवे उस वक्त नॉर्थ वेस्ट रेलवे इसको कहते थे, तो उसके कुछ इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में थे और कुछ इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे पाकिस्तान में थे। तो यहाँ पे हमारे जो वर्कशॉप इस्टेब्लिशमेंट से है वो 1908 से शुरू हुई थी, फिर 1912 में हमारे लोकोमोटिव वर्कशॉप्स बने, बाद में हमारी एक स्टील मिल भी 1937 में पाकिस्तान रेलवे ने ले ली। तो उस हवाले से पाकिस्तान रेलवे का एक बहुत तारीखी वो था, क्योंकि ये तो एक वो वक्त था कि जब पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उन तमाम की जो एक्सपर्टीज़ है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, वो पाकिस्तान रेलवे से लिए जाते थे, और इनकी एक मुनापली थी पाकिस्तान रेलवे की ट्रांसपोर्ट पे, फ्रेट ट्रांसपोर्ट पे भी और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पे भी। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप होती गई और रोड की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना शुरू हो गया, तो उसके साथ साथ फिर रेलवे की जो है वो, लेकिन सर आज भी जो मुसाफिर हैं उनकी पहली तरजीह पाकिस्तान रेलवे ही होती है, क्योंकि आरामदा सफ़र है, लोग लेट कर चले जाते हैं, वाशरूम की सहूलत भी मिल जाती है, फिर चहलकदमी भी हो जाती है, तो बसों में तो लोग बेचारे, वो अगर यहाँ लाहौर से बैठे तो अगला स्टॉप उनका मुल्तान में जाके आना, तो वो तो हिल भी नहीं सकते, तो वो बड़ी प्रॉब्लम लोगों को उस ट्रांसपोर्ट से भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान रेलवे तो देखें एक नाम था इस रेलवे का भी, आप जैसे बता रहे हैं कि मकरूज होते थे इदारे, तो आज क्या हुआ कि पाकिस्तान रेलवे के जो है वो तंजली की तरफ चला गया और ट्रेनें आउटसोर्स हो रही हैं, 36 से ज़्यादा ट्रेनें आउटसोर्स होने जा रही हैं? देखिए जी, वक्त के साथ साथ जैसे दुनिया के हालात बदलते गए, होना तो ये चाहिए था कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान रेलवे भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ चला गया है, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि कोई फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की तवज्जो होती है कि इस सेक्टर को कितनी प्रायोरिटी दी जाती है, आया रेल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि रोड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, उस हिसाब से उस इदारे चलते हैं। नाज़रीन देख रहे हैं आप स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान रेलवे के हवाले से, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन में, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं
यूनस भट्टी साहब जो के स्टेशन मैनेजर हैं यहाँ लाहौर रेलवे स्टेशन के, तो कैसे ऑपरेट किया जाता है ट्रेनों को और इनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ, तो मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूनस साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। यूनस साहब आप स्टेशन मास्टर हैं यहाँ पर, तो स्टेशन मास्टर के फ्राइज क्या होते हैं? स्टेशन मैनेजर हूँ। जी स्टेशन मैनेजर, तो स्टेशन मैनेजर के जो फ्राइज हैं वो क्या होते हैं? जी स्टेशन मैनेजर जो है लाहौर स्टेशन के तमाम ट्रेनें और उसके मुतलका जितने एसोसिएटेड मामलात हैं उन सब का वो मैनेजर होता है। जितनी ट्रेनें यहाँ से चलती हैं, मुसाफरों की सहूलतें, ट्रेनों के ऑपरेशंस, उनकी मेंटेनेंस और बाकी जितने प्राइवेट लोग बिजनेस करते हैं उनके मामलात को देखना, ये स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, तो ये स्टेशन जो है इसकी तमीर जो है वो कब हुई थी लाहौर रेलवे स्टेशन की? जी ये स्टेशन लाहौर जो है ये नियर अबाउट 1927 जो है इसकी डेट लिखी हुई है हमारी जो कैबिन है उसके ऊपर, तो ये नियर अबाउट बिल्डिंग जो है वो उससे पहले बनी होगी और ये जो इसका जो ऑपरेशनल स्टार्ट हुआ वो तकरीबन 1927 के करीब हुआ। यानी कि स्टेशन मैनेजर ये जिस तरह हम ये लाहौर रेलवे स्टेशन में हैं, मेरा कैमरामैन दिखाया जरा लाहौर रेलवे स्टेशन, तो ये बड़ा तारीखी अहमियत का स्टेशन है लाहौर का और यहाँ पर रोज़ाना जो है वो हज़ारों अफराद अंदरून और बैरून मुल्क से सफ़र करते हैं और कुछ आते हैं यहाँ पर बैरून जो शहर हैं लाहौर के, और जैसा कराची से गाड़ियाँ आती हैं या कोयटा से आती हैं, पेशावर से आती हैं, इस्लामाबाद से आती हैं, तो बड़ी ये बेहतरीन बात है कि हम एक तारीखी और ये हमारे एसेट हैं जो स्टेशन हैं। लेकिन ये जो हादसात हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, इनकी वजूहत क्या है, आप इनको कैसे देखते हैं क्योंकि आपकी उम्र गुजर गई है? देखिए जी हादसात में ये चीज़ है कि पाकिस्तान रेलवे जो है दुनिया के अंदर जो है इसके ऑपरेशन की नवीयत मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे हुकूमत पाकिस्तान ने एक फलाही अदारे के तौर पर इसे चलाया है और फलाही अदारा जो होता है वो मुसाफरों को प्रॉफिट के बगैर सहूलतें मुहैया करता है। हमारा बेसिकल जो रेलवे को चलाने के लिए कामयाब करने के लिए जो अर्निंग सोर्स है वो गुड्स सामान की जो तरसील होती है, आमद रफ्त होती है, उससे हमें आमदन होती है और वो मौजूदा रोड कंपटीशन और फिर उसमें नेशनल जस्टिक सेल NLC के कंपटीशन की वजह से मौजूदा दौर में कम है, जिस वजह से रेलवे जो है वो अपनी आमदन फ्लाई अदारे से निकलकर आमदन वाले अदारा जो है वो नहीं बन पा रहा। मेन वजूहत ये है, तो रेलवे के तो इतने एम्प्लाइज होते थे और हुकूमतें जो हैं वो रेलवे के सर पर चलती थी। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी है रेलवे की तो जो रेलवे का डिविजनल सुपरिनटेंडेंट होता था या स्टेशन मास्टर होता था या स्टेशन मैनेजर होता था तो वो तो खजाने की चाबियां भी उसके पास होती, डोनेशन देती थी रेलवे उस वक्त भी, तो आज भी क्या रेलवे डोनेशन दे रही है? आजकल तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह रेलवे के एम्प्लाइज या मुलाजम जो हैं वो अपने महदूद वसाइल में, महदूद रिसोर्स में अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। ये अलमिया है कि जब अंग्रेज़ ने इस अदारे को बनाया और उसके बाद जो है चूँकि हम 1970 तक जो है ये अदारा मुनाफा बख्श रहा, 1970 के बाद जो है ये 800 अरब उस वक्त मुनाफा था रेलवे का 1966-1971 में। भट्टी साहब आज देखें कि कहाँ चला गया रेलवे, रेलवे मकरूज हो गया, रेलवे दिवालिया हो गया। उसमें यह है कि आज भी अगर सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इस बात का तयन करें और वफाकी हुकूमत जो है इस बात के लिए कोई ऐसा हुक्म जारी कर दे कि भाई कोई भी आमद रफ्त जो सूबाई सतह पर होगी वो रेलवे से होगी, तो ये अदारा यकीनन जो है वो ज़्यादा कर जाएगा और ये तरक्की करेगा और मुनाफा में चला जाएगा, मुनाफा में चला जाएगा। इसके वाहिद जो खड़ा होने का एक ही सोर्स है और वो सोर्स जो है वो गुड्स की आमद रफ्त है, और गुड्स की जो ट्रांसपोर्ट ट्रेनें हैं वो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा, जैसे इंडिया में है कि अगर आप इंडिया में जाएं उसके हवाले से तो उसकी जो सूबाई आमद रफ्त है गुड्स की वो सिवाय रेलवे के अलावा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर ये चीज़ हो तो इसीलिए वहाँ पे देखिए रेलवे कितनी तरक्की कर गया है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया इंडिया में कर गया है, लेकिन यहाँ हमें इस चीज़ के जो है वो मसाइल दरकार हैं। लेकिन फिर भी चूँकि ये पुराने ट्रैक हैं
हमारे पास कोचों की जो है वो वसाइल में कमी होने की वजह से कोचे इतनी वाफर मकदार में नहीं है, तो उसकी वजह से जब ट्रैक पुराना होता है, कोचे पुरानी होती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो अपनी उम्र पूरी करने के बाद जो हैं वो उस पोजीशन में का बाइस बन जाती हैं, उस पोजीशन में नहीं रहती। अब आप यही देख लें कि ये जो ओवर हेड ब्रिज बना हुआ है ऊपर, नाज़रीन ये ज़रा दिखाएं, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है ये, और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इसकी दोबारा ये कोई बना होगा, लेकिन ये उस दौर से चला आ रहा है। और ये है, आप पेशावर चले जाएँ, बलोचिस्तान में कोटा चले जाएँ, कराची चले जाएँ, तो रेलवे इसी तरह ही आपको पुरानी पुरानी इमारतें मिलेंगी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि रेलवे का निज़ाम आखिरकार चलता कैसे है, ट्रेनें कंट्रोल कैसे होती हैं। तो मेरे साथ बड़े सीनियर यहाँ पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो है वो मौजूद हैं, और मज़े की बात है कि आज हमारे हाथ लग गए हैं, क्योंकि कल ये रिटायर्ड हो जाएंगे महकमे से अपनी सर्विस पूरी करने के बाद। तो इन्होंने अभी मुझे प्रोग्राम के दौरान बताया कि मेरी कल रिटायरमेंट है, तो हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको जो है वो बहुत बहुत अंकल मुबारक हो, गया आपने इतना अरसा रेलवे को दिया और आज आप रिटायर्ड हो रहे हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये क्या है? ये सिस्टम हमारा जो है इंटर रिले ऑटोमेटिक जो है ये है, इसकी नीचे जो है रिले के थ्रू जो है ना, हमारा नीचे रिले सिस्टम है ये, उसके थ्रू हम यहाँ से जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं उससे लाइन का सिलेक्शन और उसके होते हैं कि फलानी लाइन को हमने जो गाड़ी लेनी है उसके लिए रूट्स बनाते हैं, उसके नीचे वो रिले सिस्टम से वो फिर ऑपरेट होती है, और वहाँ जो लगे हुए हैं कार्ड, जैसे वो अभी वो उनको कॉल आई है, ये इनके पास चलते हैं, इनकी गुफ्तगु सुनते हैं, ये अब बता रहे हैं कि कैसे ट्रेन आ रही है, कैसे जा रही है। बादामी, ये बादामी बाग से गाड़ी जो है ना इधर आ रही है, उसने लाइन क्लियर लिया हमसे, वहाँ से कोई इंजन है या कोई गाड़ी है, 113 हमारी गाड़ी है जो फैसलाबाद से आती है, उसका लाइन क्लियर दिया है कि जी हमारे जो लाहौर तक आपका लाइन क्लियर है, यानी कि बादामी बाग से लाहौर स्टेशन तक लाइन क्लियर है। तो इनको पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया, लाइन क्लियर मांगा जब जी आवाम एक्सप्रेस आ चुकी है, ये उसका इसका मतलब है कि एक ट्रेन कंप्लीट आ चुकी है, अब उन्होंने पीछे दूसरी गाड़ी को लाइन क्लियर दे दिया है, ठीक है, वो 113 फैसला इनसे टेलीफोन पे पूछा, हाँ जी हाँ, उन्होंने अराइवल दिया ना कि एक ट्रेन कंप्लीट आ गई है, हाँ हम हाँ, हमने कंप्लीट अराइवल देना होता है कि एक ट्रेन पहुंच चुकी है, जब एक पहुंचती है फिर दूसरी को पीछे से लाइन क्लियर दे दी है। ये अवाम एक्सप्रेस इसके बाद आ रही है आपकी फैसलाबाद से, वो आएगी उसका इंजन चेंज होगा, वो भी फैसलाबाद वापस चली जाएगी, यहाँ से चेंज वापस हो जाएगी, हाँ वापस जाएगी सवारियाँ लेकर, सवारियाँ लेकर। तो ये टोटल सिस्टम जो है यहाँ पर बिल्कुल वो सिक्योरिटी के साथ किया जाता है जी, ये इसमें बहुत इसमें एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं है इस सिस्टम में, ये बड़ा सेफ सिस्टम है, और ये माशाल्लाह ये 60 साल हो गए हैं इसको, 60 साल से ये चल रहा है ये वाला सिस्टम, हाँ ये पाकिस्तानी ये हमारे ब्लॉक स्टाफ का ये वो उनकी खासियत है कि उन्होंने इस सिस्टम को चलाया, खुद बनाया था, यानी कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने बनाया था या बाहर के, ये वेस्टिंग हाउस का बना हुआ ये, लेकिन ये है वो इसको मेंटेन करके अभी तक इसको चला रहे हैं, वही जो कंपनी चला रही है हमारी जो है आपके इंजीनियर हमारे, तो आपको कितना अरसा हो गया शाह साहब यहाँ? मुझे 12 साल हो गए इस जगह पे बैठे, तो ये आपने ये जाल बिछाया हुआ ये लाहौर का है या आउट ऑफ लाहौर का? ये वाला लाहौर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है? ये लाहौर यहाँ एंड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ शादराबाद की तरफ जो ना इंडिकेट किया ना कि ये लाइन जा रही है उस तरफ, ये यहाँ से शुरू होके ना वो एंड तक है, ये कहाँ पे आके खत्म हो रहा है? ये एंड मुगलपुरा नहीं, ये मुगलपुरे को इंडिकेशन दी हुई है कि ये लाइन मुगलपुरे को जा रही है और ये लाहौर के एंड पे जा रही है, लाहौर के ये लाहौर का अपना प्रॉपर नक्शा, ये प्लेटफॉर्म है, ये फिर गुड्स यार्ड है, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ तकरीबन 140 पॉइंट्स है
जो ऑपरेट होती हैं इस पैनल के ऊपर से, ठीक है ना। आगे गुड्स यार्ड है, गुड्स यार्ड में कुछ पैनल ऑपरेट होते हैं, कुछ नहीं होते। इधर से बदामी बाग से, बदामी बाग से सिर्फ दो लाइनें ऑपरेट होती हैं, एक एक नंबर एक दो नंबर। इधर से LRC साइड से 7 नंबर तक गुड्स यार्ड हमारा। तो इमरान खान साहब, ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरह और कितने कम वसाइल पर ये जो रेलवे का अमला यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये इनको सलाम है कि जब हम कोई हादसा होता तो हम रेलवे मुलाजमीन को कसूरवार करार दे देते हैं। लेकिन आप ये देखें कि 1960 पर ये सिस्टम लगा गया, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, और ये कंपनी है मशहूर, ये देखें आप। और आज ये रिटायर्ड हो रहे हैं बुज़ुर्ग, और आज ये सिस्टम जब ये है तो तब भी यही सिस्टम था, और आज ये रिटायर्ड होकर जा रहे हैं तो आज भी यही सिस्टम है। कितना बड़ा लम्हा फिक्री है कि आप कुर्बानी का बकरा बना देते हैं हर हादसे के बाद, लेकिन सहूलियत क्या हैं ये आप खुद अपनी आंखों में देखें। ये हम लाहौर के मेन सिग्नल में खड़े हैं और ये बड़ी मुश्किल से हमने इजाज़त ली है यहाँ पर प्रोग्राम करने की। तो यहाँ पर इनको सहूलियत देना जो है वो हुकूमत वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि फ़ंड जो है वो हुकूमत वक्त ने देने थे इनको। अगर इनको कोई सहूलियत देनी थी तो वो हुकूमत ने देनी थी, बजट में पैसे रखने थे कि रेलवे को हमने इतना पैसा देना है, वही पैसा फिर आगे लगना था। तो ये अगर हादसे हो रहे हैं तो हुकूमतें जिम्मेदार हैं, हुकूमतों ने बदलना था। ML1 मनसूबा, आज ही मुझे लगता है कि ML मनसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं होगा पाकिस्तान में। तो नाज़रीन नीचे चलते हैं, हम मुसाफिरों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हो रहा है शहर पाकिस्तान में रेलवे के साथ। मेरे साथ ही रहिएगा। तो नाज़रीन आज हम वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान रेलवे में हादसा होते कैसे हैं और क्यों होते हैं, तो इसकी वजूहत क्या होती है। तो मेरे साथ यहाँ पर स्टेशन मैनेजर और असिस्टेंट जो स्टेशन मैनेजर है वो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो हम इस वक्त ये क्रेन में बैठे हैं, तो इसका क्या नाम है सर? इसको ट्रॉली कहते हैं, ट्रॉली। ट्रॉली, तो इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या है? इसका मेन पर्पज़ ये है कि ये बेसिकली जो लाइन की मरम्मत करने के परमानेंट वे इंस्पेक्टर होता है वो इस ट्रॉली पर बैठता है, और ये मैंड जो है वो मज़दूर जो है इसको चलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो रेलवे का एक एक जो कील है, नट है, बोल्ट है, कील है, उसको आराम आराम से विजिट करता जाए। अगर हम इस पर मोटर लगा दें जो कि वो अफसरों की, यानी कि आप देखें ये कांटा चेंज हुआ है, तो उन्होंने वो ऊपर कंट्रोल टावर में बैठ के कांटा चेंज कर दिया, और वरना ये मैनुअल भी हो जाता है। ये मैनुअल हो जाता है, लेकिन लाहौर का सिस्टम चूंकि बड़ा क्विक है, इसलिए यहाँ जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है और सेंट्रल कंट्रोल होता है ऊपर से। हम इनके साथ कुछ इंस्पेक्शंस करते हैं ट्रैक की, के ट्रैक को कैसे जो है वो दुरुस्त हालत में रखा जाता है। तो ये जो साथ मेरे मजदूर हैं ये इसको चलाएंगे, जी चलाएं जी इसको। तो मेरे साथ यहाँ पर एक बड़े सीनियर हैं स्टेशन मास्टर, तो इनसे मैं बात करता हूँ। सर ये अब आप बताते जाएं ताकि हम आवाम को पता चले कि कैसे आप कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों को। ये जो पुश ट्रॉली इसको हम कहते हैं, तो इस पर ये बड़ी स्लो स्पीड से चलती है, जिससे हर चीज़ की इंस्पेक्शन इन आइज आ जाती है कि ये जो है हमारे कौन सा नट बोल्ट ढीला है, टेढ़ा है, या इसकी कहीं से लाइन दबी हुई है, या जो है ना स्टैंडर्ड से ऊपर है, या खुली हुई है, या टाइट है। हर चीज़ की एक लाइफ है ना, उस लाइफ से जब वो अभाव होगी तो वो साधारण टूट फूट का शिकार होगी। हाँ, तो जैसे ये ट्रैक में हुआ है, तो ये ट्रैक जब हम बिछाते हैं तो इसमें यहाँ पर मैंने देखा स्टेशन में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तो बाज़ जगहें ऐसी हैं वहाँ पे वो स्लैब्स बनी हुई हैं कंक्रीट की। स्लीपर जो है हमारे वो वुडन स्लीपर हमें बाज़ ऐसी जगह जब क्रॉसिंग वगैरह वहाँ पर हमारे कंपल्सरी होते हैं, बाकी जो दूसरी जगह पर ये हमारे जो है ना कंक्रीट स्लीपर ये है, और ये एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये अपनी जगह पर हर चीज़ को बांध के रखते हैं। ये पत्थर ने इसका बैलेंस बनाए रखना होता है, ऐसे ही है जी? ये बैलेंस ही है, इसको बैठने में नहीं देता पटरी को। अगर वहाँ कहीं से बैठ जाए तो उसकी जो रिपेयरिंग होनी शुरू होती है उसी वक्त। हाँ, वो कर देते हैं उसको, इसी पत्थर को उसके नीचे दे के प्रेस किया जाता है, कंपैक्शन की जाती है इनकी। इसमें इंस्पेक्शन होती है? इंस्पेक्शन होती है जब होती है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंस्पेक्टर रेलवेज डिविजनल सुपरिटेंडेंट या हेडक्वार्टर के और अथॉरिटीज जो हैं वो जब ट्रैक की इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर ये कितनी दफ़ा हो जाती है एक साल? जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे FGR की इंस्पेक्शन 2 साल के बाद है,
जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट की इंस्पेक्शन होती है वो एक साल के बाद होती है, यानी कि लाजमी करनी होती है। हाँ जी, लाजमी करनी होती है। और वो उसके लिए ये ट्रेन है। हाँ जी, विंडो ट्रेलिंग जो इसकी इंस्पेक्शन कार होती है। तो इसके अंदर जो है वो एक मिनट कंप्यूटर सिस्टम या कोई और चीज़ें होंगी जी? ये इसका कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, ये उसको मैनुअली चेक करते हैं पीछे विंडोज़ पे, और जो इसकी व्हील्स वर्किंग है उसी से ऑब्जर्व करते हैं और सूरत हाल को देखते हैं। तो ये कैबिन बना हुआ है ऊपर, तो आए नाज़रीन हम वो भी देखते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर जो रेलवे के ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि ये जो है वो पत्थर होते हैं, यानी कि कंक्रीट के जो इन्होंने बनाए होते हैं पिलर्स टाइप, जो नीचे ये इसके ट्रैक के नीचे लगाते हैं, और ट्रैक जो है उसको यानी कि जिस तरह वो बता रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चलती तो इसलिए यहाँ पे वेल्ड नहीं हुआ। लेकिन अगर हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे, आखिरी पॉइंट जो स्टेशन का होगा वहाँ से जब हम बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ पे इन्होंने ये वेल्ड किया हुआ है। तो ये लाहौर रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा ट्रैक्स हैं और यहाँ पर लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं जी। ये होता है आपका, इसे चेंज करते हैं ना, ये हमारे वो जो आप मुझे अभी वहाँ पे दिखा रहे थे ऑटोमेटिक, नहीं ऑटोमेटिक नहीं, ये ऊपर लीवर लगे हुए हैं, उन लीवरों से मैनुअली ये हमारी जो साइडिंग अटैच करते हैं साथ इसके और उसको डिसकनेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हमने स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पे पहुँचना है तो इसका 1 सेंट तलक, इसका सिर्फ साइडिंग से तलक है। यानी कि अगर कोई ब्रेक फेल हो गया किसी की वो चक्कर नहीं है, ये हमें वहाँ पर किसी गाड़ी को प्लेस करना होता है ना, ये हॉर्स लोडिंग पॉइंट है हमारा, जो वहाँ पर गाड़ी को उठाना है या वहाँ पर रखना है तो ये उसके लिए है। तो ये ऊपर कैबिन बना हुआ है उसका। तो आइए नाज़रीन यहाँ से चलते हैं मेन कंट्रोल रूम की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या हालात हैं। तो ये देखें, ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो ट्रैक बिछा हुआ है ये उस दौर का बिछा हुआ, यानी कि 1861 का ये वाला, ये देखें ये लकड़ी का, और ये पुराना ही ट्रैक चल रहा है। तो ये हमारी कैबिन जो है ये 1916 मार्च 1916, ये दिखाएं जी जरा कैमरामैन साहब, ये कैबिन जो है मार्च 1916 में बना है। तो जब 100 साल हो गए हैं, तो वैसे भी 100 साल में तो कई बिल्डिंगों की लाहौर में मियाद पूरी होगी, तो ये तो फिर पाकिस्तान रेलवे है। तो पाकिस्तान रेलवे पर जो हुकूमतें रही हैं क्याम पाकिस्तान से लेकर आज तक, तो वह सारी मुजरमाना गफलत का शिकार इसलिए हुई हैं कि उन्होंने एक मुनाफा बख्श इदारे को चलाने की बजाय इसकी तरफ जो है वो तवज्जो ना दी। और वो तवज्जो का आज हाल ये है कि ट्रैक ही नहीं बदला गया पाकिस्तान रेलवे का, और जो कि 8000 किलोमीटर से ज़ायद का बनता है ये ट्रैक पाकिस्तान रेलवे का। तो हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार हैं, 1947 से लेकर आज 2021 तक जो हुकूमतें आई हैं वो बराह रास्त मुजरिम हैं इस गफलत की, क्योंकि उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज रेलवे का जो ट्रैक है वो आपके सामने है। तो प्रोग्राम में आगे चलते हैं और मेरे साथ ही रहिएगा। तो बताइएगा भाई, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कैसा सफ़र होता है ट्रेन में? ट्रेन में तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र है, लेकिन अभी ये कल परसों जो मसला हुआ था इस वजह से लोग डरे हुए हैं, वैसे पहले की बनिस्बत ठीक है, बेहतर है। तो इसमें यह है कि कोच हैं उनमें हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्यों जी? बताइए क्या कहना चाहेंगे? कैमरा करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं टैक्सीवे से आ रहा हूँ। अच्छा। और इसका पंखा जो है ना नहीं चल रहा, पंखा मैं बड़े स्टेशन पर गया, सभी को गया, गार्ड से कहा, सिक्योरिटी वाले से कहा और स्टेशन पे जाके कहा, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। सीधी बात सही कह रहा हूँ, और अभी भी इधर आके कंप्लेंट की किसी से? कंप्लेन ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान में रह के गया है, सिर्फ ये पसीनों पसीने हो रहे हैं, बच्चे साथ हैं, क्या करें, पानी भरने में पानी गर्म मिला है, ये स्टेशनों हमारे का हाल है, हुकूमतों को पीटें कि खुद पीटे अपने। सही कह रहे हैं ये? जी सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, यही मसला है, पानी का तो बिल्कुल इंतजाम ही नहीं है। वो डरता बताता नहीं है कि हमारी तो, मैं नहीं डरता भाई। ओ भाई आप नहीं डरते, हम लोग डरते हैं, वो बाद में हमें ऊपर से आके खींच लेते हैं। जो खींचेगा मैं उसको भी देख लूंगा, आप बोले क्या बोल रहे? बोल तो रहा हूँ। तो बताए ना, कम्प्लेंट किसको की है? स्टेशन मास्टर को की है या ट्रेन गार्ड को की है? सभी को की है। क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं हो जाता है, अभी क्या कह रहे हैं, ट्रेन वर्कशॉप में तो नहीं जा सकती। अच्छा, ये जो हादसे हो रहे हैं, अभी परसों हादसा हुआ है, 65 से ज़ायद जाने ज़ाया हो गई और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए, तो कौन कसूरवार है इसका? हुकूमत है, हुकूमत है, हुकूमत की लापरवाही है, मशीनरी को चेक नहीं करते, वैसे ही ठोक देते हैं, चलो जी जाओ जाके चलाओ। सबसे ज़्यादा जो इसका सरबरा है उसको खुद अपने अमले को कहना चाहिए कि चेक करे इसको, वो नहीं चेक करेगा तो ज़ाहिर है फिर ऐसे हादसा तो होंगे। क्यों जी? उनका क्या? यही बात है, अमले का वर्कशॉप चेक कराएं, इंजन चेक कराएं,
बाकी बोगियाँ चेक करें, हर बंदा अपना काम करे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा निज़ाम। किधर जा रहे हैं आप? सर हम जा रहे हैं कराची। अटक से आप कहाँ जा रहे हो? कराची। आप? कराची। आप? हैदराबाद। भाई ये बेरिया रोड। जी बेरिया रोड। कहाँ? बेरिया रोड। बेरिया रोड। बेरिया रोड वो कहाँ है? रोडी से पहले। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? जी ठीक है। ट्रेन का सफर आसान है या आम ट्रांसपोर्ट का? रिजर्वेशन है, वो कह रहे हैं कि अब गाड़ी नहीं, तो वो ट्रैक क्लियर नहीं हुआ ना, तो वो ट्रेन मनसूख हो गई आज। तो ये देखिए अब हम क्या करें, इसको रिफंड करा लें जाके वहाँ से? तो जाना जरूरी है, तो इसी ट्रेन में एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट वो कर ही नहीं रहे हैं। नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। तो ये मुश्किल आते हैं पाकिस्तान रेलवे में जो आ रही है, यानी कि अगर आपने ट्रेनें मनसूख कर दी हैं लेकिन जिन्होंने ज़रूरी अपनी मंजिल में पहुंचना, तो उनका जिम्मेदार कौन है? उनका टाइम ख़राब हो रहा है, उनके घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, जो चल रहे हैं इस वक्त सारी पब्लिक जो है, ख़वातीन बच्चे ये देखें अपने बच्चों के साथ बैठी हुई हैं और पंखे जो हैं वो ट्रेन के बंद हैं। तो आइए मैं ज़रा आपको ट्रेन के अंदर से ज़रा हालात दिखाता हूँ कि ट्रेन के अंदर क्या वाकई ही पंखे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, तो ये भी देखते हैं। सर्किट तो चला हुआ है, तो पंखे यहाँ पर चल रहे हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर गर्मी से जो है वो बिलबिला रहे हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ लाहौर शहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब ये गाड़ी, यही गाड़ी जब आगे जाएगी सिंध की जानी, तो गर्मी और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि सिंध के जो इलाके हैं वो काफ़ी गर्म हैं। तो बाहर चलते हैं और यहाँ पर मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो मुसाफिर ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, ये किधर जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हैं आप? साहिवाल। साहिवाल जा रहे हैं? तो आपने तो चले पंजाब में ही जाना है, तो हादसा हुआ है ट्रेन का, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? यहाँ से तो मामूल है, हम तो आते जाते ट्रेन में, यहाँ तो पानी तक नहीं है पीने के लिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है? वो खरीदना पड़ता है ना, ये कंटीनर चलानी है उन्होंने, ठेकेदारों ने, इसलिए पानी बंद कर देते हैं। तो फिर कूलर भी उठा लेना, पानी रखें, यही कर सकते हैं। कूलर में भी नहीं था पानी? कूलर तक पानी नहीं है, तो क्या करेंगे हम? तो हादसा हुआ है, तो क्या लोगों ने डराया तो नहीं कि ट्रेन में सफर नहीं करना? नहीं भाई, डरने का क्या जरूरत है, मरना तो है एक दिन। मरना तो है, सारी बात है जी। तो आपको रोका तो नहीं कि जा रहे हो सफर पे? नहीं, ट्रेन में नहीं रोका, नहीं रोका। तो ट्रेन का सफर महफूज भी है, तो ये हादसा नाज़रीन होते कैसे? जब मैं ये अभी यहाँ से देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि आखिर ये होते कहाँ हैं। तो ये ट्रेनें वैसे भी मलंगों के नाम से मशहूर होती हैं, और देखिए आप माशाल्लाह सफ़र कर रहे हैं और इंजॉय भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। और यहाँ पे कुछ मुसाफिर ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास पैसे भी नहीं होते, उन्होंने अपने घरों में जाना होता है, बहुत बुरे हालात होते हैं, तो वो ज़्यादातर ट्रेन में भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने पैसों से भी टिकट्स ली होती हैं। इकनॉमी क्लास में आप ये हालात है, ये देखें कि ये फ़ैन जो है ये लगे हुए हैं, ये गर्मी को कंट्रोल ही नहीं कर सकते यहाँ पर इकॉनमी में। अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रहे हो भाई आप? हैदराबाद जा रहे हो जी। तो ट्रेन में सफ़र कैसा है? सफ़र तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। सहूलियात कैसी है? सहूलियात भी माशाल्लाह से पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है, और इस हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से। जी पहली दफ़ा कोई बंदा मिल गया जो हुकूमत की तारीफ कर रहा है जी भाई। तो ये जो हादसा हुआ है जी, ये हादसा हुआ इससे तो हमारा तो कोई शक था कि हम सुबह नहीं आ पाएंगे, लेकिन सिस्टम जल्दी ठीक हो गया तो हम इस वजह से आ गए। क्यों नहीं, ये सही कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हुकूमत ने बहुत अच्छा किया। भूखियों की हालत देखो, भूखियाँ देखो, इनको देखो, पुरानी अस्पताल लगी पड़ी है, ये भी तो देखा जाए। सही कह रहे हैं वो, अपनी तरफ से सही कह रहे हैं और हमारी तरफ से तो बिल्कुल गलत है। गलत है जी, बिल्कुल गलत है। चले नाज़रीन, आज आपने ये इस प्रोग्राम में देखा कि कैसे पाकिस्तान रेलवे जो है वो इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है। ट्रेनें हैं तो आए दिन उनके हादसा दौरे होते हैं, और यहाँ पर जो गर्मी के हालात हैं और कूलरों में पानी तक नहीं है, तो रेलवे का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में एक बार फिर दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इसमें सख्त एक्शन लेने होंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसलिए लेने होंगे कि ये अरबों रुपया मुनाफा देने वाला इदारा था, जिसको आज जो है वो इस हाल में पहुँचा दिया गया कि ये इदारा जो है वो ठुस होकर रह गया, और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिर जब ट्रेनों में सफ़र करते हैं तो वो सख्त अजियत का शिकार होते हैं, वाशरूमों में वास्ट टाइम पानी भी नहीं होता, स्टेशनों की हालत आपके सामने। ये तो फिर लाहौर का स्टेशन है, यहाँ पे कुछ हालात बेहतर हैं, लेकिन जो दूसरे छोटे छोटे मोटे स्टेशन हैं वहाँ पे जो हालात मुख्तलिफ हैं। तो आज के इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।